से आप लोग, मेरी उम्मीद और मेरा विश्वास आपके साथ है, सब कुछ अच्छा और बेहतर होगा। आज इस न्यूज़ को बताने के लिए मैं 6 घंटे पहले जब मैं काम पर था, मैंने जैसे 2 मिनट की जो वीडियो बनाई थी, जैसे ही मुझे न्यूज़ पता लगी कि सिंगापुर ने अलाउ कर दिया इंडिया को, तो मेरे से तो रुका ही नहीं गया। मैं गया ब्रेक टाइम पर और पीछे जाके मैंने वीडियो बना दी, आपको दिखी गई होगी, लेकिन पूरी इन्फॉर्मेशन देना मेरा फर्ज है। तो मैं अभी अभी काम पर से ख़त्म होके आया हूँ, तो मैं ये चाह रहा था कि यार मैं पहले खाना खा लूँ या वीडियो बना लूँ, लेकिन मैंने सोचा यार वीडियो बनाना, फुल इन्फॉर्मेशन देना लोगों के लिए बहुत अच्छा, क्योंकि मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं, जो मेरे यूट्यूबर्स की जो फैमिली है यूट्यूब की, वो काफ़ी देर से इंतजार कि भाई सिंगापुर कब खुलेगा। बहुत सारे क्वेश्चन हमेशा रोज़ ही, सर यूट्यूब पर जो वीडियो बना रहे हो, सर आप कब खुलेगा सिंगापुर, पूरा वर्ल्ड खुल रहा है सिंगापुर कब। और मैं हमेशा आपको दिलासा दे रहा था कि यार आप खुलेगा, ये उम्मीद थी, वो उम्मीद लगाई जा रही थी, 2 दिन पहले लगा था कि भाई दिसंबर के आसपास खुलेगा, तो ऐसे रोज ही ओपिनियन मेरी चल रही थी। और काफी लोग यार इस चैनल को जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और इसी तरह से इस चैनल को सपोर्ट करते रहो ताकि फ्यूचर में बहुत सारी वीडियो, अब तो यार बहुत सारी वीडियो आएंगी, कौन से भी टॉपिक पर आएंगे, सिंगापुर से रिलेटेड चाहे कोई सा भी टॉपिक हो, भाई खाने का कितना खर्चा, रहने का, जॉब कैसे मिलेगी, स्टूडेंट पास कैसे जॉब मिलेगी पार्ट टाइम, फ्यूचर में कैसे वर्क परमिट मिलेगा, क्या है, क्या रेंट है, क्या कोटा है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन सिंगापुर से रिलेटेड आने वाली है इस चैनल पर। तो अगर आप इस चैनल पर आज नए भी देख रहे हो या पुराने हो, तो शेयर सब्सक्राइब तो कर ही रखा है आपने, प्रेस द बेल आइकन ताकि फ्यूचर में नोटिफिकेशन मिलता है। अगर नए देख रहे हो तो भाई ये वीडियो शेयर कर दो अपने फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप पे। मैं ये चाहता हूँ यार ये न्यूज़ है पूरे ऑल ओवर इंडिया में फैला दी जाए ताकि सभी जो बैठे हैं, जिनका वीज़ा आ चुका है, जिसका वीज़ा है, स्टूडेंट पास पर वीज़ा आया है, और फीस भर चुके हैं कॉलेज की, वो आए यार फटाफट से। मैं पूरा बताने वाला हूँ कब से फ्लाइट चालू हो जाएंगे, कब से आपको इश्यू हो जाएगा, तो सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप आज मैं बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना। और हाँ भाई, ऐसी न्यूज़ देने के लिए यार मैं रात में, आज मुझे लगता नहीं कि मुझे नींद आएगी, क्योंकि मैं ये वीडियो डालूंगा और मैं सुबह होके ये देखना चाहता हूँ कि मेरे व्यूज़ कितने आते हैं, मेरे सब्सक्राइबर कितने जुड़े हैं, और ये सब्सक्राइबर और कितने सब्सक्राइबर बढ़ाएंगे भाई, ताकि सभी को क्योंकि यार काफ़ी मेरे को लगता है 18-19 महीने से यही न्यूज़ आ रही थी, और पिछले 6 महीने से काफ़ी कंट्रीज खुल चुकी थी इंडिया के लिए, लेकिन सिंगापुर नहीं खुला था। लेकिन आज जो है 6 कंट्री, ठीक है, जैसे पहले लोगों ने कहा था कि भाई 6 कंट्री नहीं खुली थी, और ट्रांजिट वीज़ा के सिंगापुर तो काफी खर्चा आ रहा था, 35 दिन इंडोनेशिया में रुकेंगे, फिर ट्रांजिट से इधर आएंगे सिंगापुर, तो काफी आई थिंक $3,000-4,000 का, लेकिन अब उस दिन का इंतजार खत्म हो गया भाई, वीजा स्टार्ट हो गए हैं, आईसी अप्रूवल स्टार्ट हो गया, एमओई भी स्टडी वीजा है तो भी अप्रूवल हो चुका है। आपको मैं जो वीडियो में पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाला, थोड़ी लंबी हो सकती है यार, खुशी है, अब पता नहीं चल रहा है कि कहाँ से स्टार्ट करूँ, लेकिन करूँगा जरूर, क्योंकि यही एक खुशी है कि यार सिंगापुर ने अलाउ कर दिया इंडिया को और अनदर 5 कंट्री, टोटल 6 कंट्री को। हमारे पहले कैटेगरी आपको इतना तो पता है, सिंगापुर ने 4 कैटेगरी एंड VTL लाइन बना रही थी, VTL की बात नहीं करेंगे, Class 1, Class 2, Class 3 की बात नहीं करेंगे, आप चाहते हो उनके ऊपर भी मैं वीडियो बना दूंगा कौन सी क्लास, लेकिन हमारा जो मेन फोकस था इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान, श्रीलंका और नेपाल, ये 6 कंट्री एक्सक्लूडेड थी कैटेगरी 4 के लिए। तो भाई आज बता रहा हूँ, आज वो 26 अक्टूबर मिस 11:59 मिस 12:27 को ये कंट्री इंक्लूड हो गई हैं, और यहाँ से जो है इन 6 कंट्रियों से, स्पेशली ये वीडियो तो इंडिया के लोगों के लिए है, पाकिस्तान लोगों के लिए है, और नेपाली लोगों के लिए है, बांग्लादेशी भाइयों के, तो भाई देखो इन 6 कंट्री को अलाउ कर दिया सिंगापुर में, सबसे पहली बात है 27 से स्टार्ट हो जाएगा 12 बजे, ठीक है। दूसरी बात यह है कि अब जो है यहां पर आप डायरेक्ट फ्लाइट से आ सकते हो, और जो फ्लाइट की कॉस्ट आप देख लेना, आप इसके रूल एंड रेगुलेशन पूरा बताऊंगा, क्वारंटीन की फीस क्या है, क्या टर्म कंडीशन है, सारा कुछ बताऊंगा। तो सबसे पहले बताते हैं कि भाई देखो अप्रूवल स्टार्ट हो ही जाएगा 1 नवंबर से, भाई स्टूडेंट पास सिंगापुर में आ सकते हैं, ठीक है, बता रहा हूँ 1 नवंबर से सिंगापुर में स्टूडेंट पास आ सकते हैं। तो भाई जिसके वीज़े हैं फटाक से ट्रेवल लो, 10 दिन के क्वारंटीन लगो करो और अपना स्टडी कंटिन्यू, जिसका वीज़ा लग चुका है या जो लगाने वाला है वो भी लगवा, या दिसंबर इनटेक जनवरी इनटेक में लगाए, इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी, क्योंकि काफ़ी लोगों की तो ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी तो वो भी आए यार सिंगापुर में। तो चलो स्टार्ट करते हैं पूरे वीडियो, देखो 4 मिनट तो ऐसे हो गए, लेकिन भाई पूरी देखना वीडियो को, और लाइक शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, अपने घर वालों फ्रेंड्स को बता, भाई सिंगापुर इंडियंस के लिए खुल चुका है, वर्क परमिट वगैरह, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो भी आती है, कंस्ट्रक्शन प्रोसेस इंडस्ट्री, मैरीन इंडस्ट्री, सब ओपन हो चुका है।
और नए वीजा भी इशू होंगे। तो सबसे पहले बताते हैं आईसी ने अप्रूवल देना चालू कर दिया, तो 27 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगा स्टूडेंट के लिए। 1 नवंबर से फ्लाइट आप एमओई की वेबसाइट पर जाके कर सकते हैं, ठीक है। अभी देखो क्वारंटीन की फीस का क्या है, और देखो सबसे पहले आप जो टर्म एंड कंडीशन जो बताता हूँ कि इंडिया बांग्लादेश जो 6 कंट्री है आप देख लेना, और मैं कोशिश करूंगा डिस्क्रिप्शन में भी देने की। तो देखो कैसे आप इंडियन के आप सिंगापुर आएंगे, क्या प्रोसेस है। तो आपको अप्रूवल हो चुका है एमओई वगैरह से आईसीए से, तो आपके पास वीजा है, आपने फीस वगैरह पे कर दिया, वर्क परमिट पर आपके पास आईसीए अप्रूवल है, वीजा आपका आईपी आ चुका है। तो आप 48 घंटे पहले बिफोर डिपार्चर फ्रॉम इंडिया एयरपोर्ट से, आप डिपार्चर से पहले 48 घंटे पहले की आप नेगेटिव रिपोर्ट दिखाएंगे तब आप सिंगापुर आएंगे। मैं सिंगापुर तक आने से पहले आपको 48 घंटे पहले आप पीसीआर नेगेटिव दिखानी पड़ेगी। कुछ सिलेक्टेड हैं, आप गूगल पर जाके चेक कर लेना कि कहाँ से हमें पीसीआर लेना है, तो अपने स्टेट में से आप देख सकते हैं कि पीसीआर टेस्ट वैलिड फॉर सिंगापुर एयर इमिग्रेशन, तो आपको पता लग जाएगा। कुछ रेपुटेटेड हैं हॉस्पिटल्स, तो आप वहाँ से जाके, उनकी कॉस्ट पता नहीं कितना होगा इंडिया में, लेकिन सिंगापुर में बताया जाता है $180 है, तो पीसीआर आपको लेना पड़ेगा। अब जब आप सिंगापुर फ्लाई करेंगे उसकी कॉस्ट होगी जो भी चले, शायद अभी थोड़ा पीक पर हो क्योंकि डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम होगी, तो लेकिन जो भी है अगर आप जल्दी आना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं। तीसरा जो है, आपको यहाँ आकर कोई पीसीआर कोई एआरटी एयरपोर्ट पर नहीं करनी है। समझ में, पहले सोच रहे थे कि पीसीआर ऑन द एयरपोर्ट होगा, अभी नहीं होगा। इंडिया 6 कंट्री के लोग जो इंडिया से स्पेशली जब यहाँ आएंगे तो उनको 10 दिन की स्टे होम नोटिस विद SHN फैसिलिटी जिसे बोलते हैं, वो गवर्नमेंट से ऑथोराइज, आप अपने आप नहीं चूज कर सकते। जब आप ICAJ safetravel.gov की जो वेबसाइट है वहाँ पर आप जब बुक करेंगे तो आपको SHN फैसिलिटी मिलेगी, मिस आप कहाँ पर स्टे करेंगे, तो उसका आपको फीस देना पड़ेगा $1,575, ठीक है। तो ये आपको खुद चूज नहीं, गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है safetravel.gov जो आपको फिल करना पड़ेगा ये फॉर्म, तो वहाँ पर आपको स्टे होम नोटिस जो SHN का जो उनकी जो सिंगापुर के जो जो परमानेंट इनके इन्होंने जो बनाए हैं क्वारंटीन के लिए, आप वहाँ स्टे करेंगे, उसकी जो कॉस्ट है $1,575 आएगा, तो आप वो पे करेंगे, डेबिट कार्ड वगैरह कैसे भी पे कर सकते हैं। दूसरे, जब आप सिंगापुर आएंगे तो आने के बाद आपको डायरेक्ट आपको स्टे होम नोटिस वहाँ मिलेगा, आप वहाँ जाएंगे, PCR ATR ART नहीं होगा, हाँ ठीक है, आप NTG रैपिड टेस्ट जिसे बोलते हैं, तो आप वहाँ 10 दिन के अंदर आपका PCR होगा, ठीक है। 10 दिन के अंदर PCR, ऐसा नहीं कि आज आप आए तो आज ही आपका PCR, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली मैंने देखा है कि अगर 10 दिन की आपकी क्वारंटीन है तो 7वें 8वें दिन पर मोस्ट प्रोबेबली आपका PCR टेस्ट होगा। तो MOH के जो भी पर्सन है जहाँ से भी आपको, या तो आपको वहाँ क्लिनिक पर जाना पड़ेगा या आप ऑनलाइन वगैरह कुछ भी आपकी जो फैसिलिटी वो आपको बता दिया जाएगा कि आप PCR के लिए आपको कॉल करेंगे, क्योंकि आप रजिस्टर जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी, ट्रेस टुगेदर वगैरह डाउनलोड करना पड़ेगा, जो भी है बहुत ईजी होगा। सिंगापुर का जो सिस्टम है बहुत ईजी है, PCR आपको देना पड़ेगा, PCR की कॉस्ट $180 के आसपास है, और जो थोड़ा वरी कर सकता है, और जो होटल की जो स्टे होम नोटिस की जो आपकी कॉस्ट है वो है $1,575। तो ये आप लगा, उसके बाद 10वें दिन के बाद आप सीधा अपने पर्पस के लिए सिंगापुर में कर सकते हैं, आप स्टडी वीजा कॉलेज जा सकते हो, अगर आप वर्क परमिट पे वर्क परमिट कर सकते हो, और भी जो बिजनेस है तो आप बिजनेस वीजा के लिए अप्लाई है तो आपका वो कर। तो यार इससे बड़ी अच्छी खबर क्या है, 18 महीने से सिंगापुर क्लोज था भाई, देखो कोई सी भी आपको मैसेज, और अब तो वीडियो बनाने का बहुत ही मजा आएगा कि सिंगापुर में जॉब कैसे मिली। जैसे भी आप लोग सिंगापुर आते हैं आप मुझे कमेंट्स करना इंस्टाग्राम पर और मेरे यूट्यूब चैनल पर भी, तो मैं कोशिश करूंगा आप लोगों से मिले, एक खुशी बांटे यार अपनी। और मैं यार एक वीडियो ऐसी और बनाना चाहता हूं कि अपने इंडियन गवर्नमेंट को सबसे पहले तो बहुत थैंक्स देना चाहता हूं, 100 करोड़ मिस 100 मिलियन मिस वन, इतना बड़ा टारगेट पूरे विश्व में अभी तक किसी ने डोसेस का नहीं कराया, वैक्सीनेशन का। सबसे पहले तो मैं हमारे इंडियन गवर्नमेंट को बहुत थैंक्स देना चाहता हूं, और एक वीडियो बनाने वाला हूं इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर, जो उन्होंने इतना को इतनी बड़ी पॉपुलेशन वाली कंट्री को इतने ढंग से मैनेज करा है, और थोड़ी एक अपील है इंडियन गवर्नमेंट से, वो आगे वीडियो में बनाऊंगा। आपको वो वाली वीडियो शेयर करनी है ताकि अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर तक वो वीडियो मिल गई तो मेरा तो लाइफ का सक्सेस हो ही जाना है। और वो बात आपकी बात है, तो आपको ये पता लगा, तो कहने का मतलब SHN 10 दिन का है, आपको $1,575 $180 PCR विद इन एयरपोर्ट पर, कोई PCR वगैरह नहीं होगा, 48 घंटे पहले आप इंडिया से आ रहे हो तो 48 घंटे पहले आपको PCR टेस्ट नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी है, और वो जो रिपोर्ट है ना जो आप कराएंगे तो वहाँ के किसी
रेपुटेटेड हॉस्पिटल से कराएंगे। तो इतना ही कुछ बताना था, और यार बहुत अच्छी खबर थी। अब जाके यार तसल्ली मिले ये वीडियो बना के, तो हो सकता है शेयर कर दो। अब देखेंगे सुबह कहाँ तक मेरी सक्सेस पहुँचती है। और भाई इस चैनल को यार बहुत जल्दी ग्रो करो यार, ताकि मैं और भी वीडियो और लोगों के लिए अच्छी। अब तो यार ऐसा लगता है कि जैसे नॉर्मल लाइफ सी आती जा रही है, और हम बहुत घुल मिलकर एक अपने इंडिया के लिए और अपने विश देश के लिए कुछ करेंगे, अपनी फैमिली के लिए कुछ करेंगे। और हाँ दोस्तों यार, अभी आप घर में जितने भी इतनी खुशी का माहौल है ना, थोड़े सेलिब्रेट कर लो यार, क्योंकि अगर आप जब सिंगापुर आ जाओगे वर्क परमिट पर, तो आपको काम तो करना ही पड़ेगा। फिर मजे का काम नहीं है, फिर आपके पास टाइम नहीं रहेगा। तो अभी आप इंडिया में हो, थोड़ा सेलिब्रेट कर लो। और यार ये वीडियो जरूर शेयर कर देना। और हाँ भाई, जब शेयर कर दी तो मुझे कमेंट्स करके बताना है कि सर आई शेयर योर वीडियो ऑन फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप। मुझे बहुत अच्छा लगा यार, आज मुझे नहीं लगता मुझे नींद आने वाली है। वो नींद क्यों नहीं आ रही मैं भी बताता हूँ, क्योंकि 1-2 महीने बाद या 2 या 3 जनवरी या दिसंबर में मैं भी ट्रेवल करूंगा इंडिया, क्योंकि 3 साल से यार मैं भी नहीं गया। तो यार इससे अच्छी खुशखबरी क्या होगी, मुझे तो नींद नहीं आएगी। अगर आपको नींद आ रही है तो बता देना। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।